जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मोबाइल होल्डर के बारे में। दोस्तों मेरे पास बुलेट इलेक्ट्रा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 350 बुलेट इलेक्ट्रा। और दोस्तों जब मैं इसे राइडिंग वगैरह करता रहता हूँ तो उस पर्पज़ से मैंने ये एक मोबाइल होल्डर लगवाया था इसमें। दोस्तों इसको मुझे लगवाए हुए ऑलमोस्ट अराउंड 1+ ईयर हो चुका है, तो मैं इसमें आपके साथ रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह का मोबाइल होल्डर अपनी बाइक में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेटल का है पूरा का पूरा। ये आपको प्लास्टिक टाइप का लग रहा होगा बट ये मेटल है, प्योर सॉलिड मेटल है, क्योंकि सिल्वर से सिल्वर मैच करता है, तो इस पर्पज़ से मैंने इसको लगवाया था। और ये इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाता है और आप इसमें अपना मोबाइल फ़ोन इसमें सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इसमें रबड़ लगी हुई हैं जिससे कि आपका फ़ोन डैमेज नहीं होता, और इस साइड भी रबड़ है इसमें। और अब अपने हिसाब से इसको कितना भी, जैसे कि ये भी इतना है, अब इतना कि काफ़ी हद तक ब्रॉड हो जाता है, अच्छा खासा ही ब्रॉड हो जाता है। और आप इसको टाइट कर दीजिए यहाँ से। दोस्तों मैंने इससे बहुत राइडिंग करी है, बाइक से काफ़ी दूर तक मैं राइड करके आया हूँ, और दोस्तों कभी कोई इशू नहीं आता है इसमें। मोबाइल फ़ोन वगैरह कहीं कुछ नहीं हिलता, बहुत स्ट्रांग है ये। बाकी कुछ प्लास्टिक के गिमिकी फीचर्स वाले आते हैं मोबाइल होल्डर्स, दोस्तों वो भी मैंने इस साइड यहाँ पे लगवाया था, आप देख सकते हैं ये पुराने वाले का है, और दोस्तों वो निकल के गिर जाता है उसमें से। मेरे पास एक पुराना फ़ोन था वो उसमें से निकल के गिर गया था, उसके बाद मैंने फिर दूसरा ये वाला लगवाया था। और दोस्तों इस पर मैंने कम से कम बहुत सारी राइड्स करी है, कम से कम 7-8 राइड्स इसमें मैं कर चुका हूँ। मनाली गया हूँ जिसमें मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ दिल्ली से मैं, और कोई इशू नहीं आता दोस्तों। ये बेस्ट मोबाइल होल्डर मुझे लगा ये। दोस्तों मैंने दिल्ली करोल बाग से बाई किया था, और इसमें दोस्तों एक बेनिफिट और भी मिलता है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग पीस पे मिलती है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें इससे अपना चार्ज कर सकते हैं अपने इसको। इसमें लाइट ब्लिंक करती है और ये परफेक्टली काम करता है। इसकी वायरिंग अपनी यहाँ से आपकी इसमें एडजस्ट हो जाती है, आगे की तरफ आप इसको वायरिंग को कनेक्ट कर देते हैं। ये दोस्तों मुझे अराउंड मेरे ख्याल से 600 समथिंग का पड़ा था उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा है ये दोस्तों। मैंने इसे 1200-1500 किलोमीटर की राइड्स पे इसको यूज़ किया है। 1500 किलोमीटर तक मेरा फ़ोन इसी में लगा रहा है, दिल्ली से मैं गया हूँ 1500 किलोमीटर करके आया हूँ, और फ़ोन इसी में लगा रहता था और कोई इशू नहीं आता दोस्तों। बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं करोल बाग से। प्लास्टिक वाले ना लें जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, बेकार था, एक बार मेरा पुराना फ़ोन टूट भी गया था इसमें, तो इस तरह का आप लें तो ठीक है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, और आपको वो टाइम टू टाइम बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।